हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गड्डी वाला में। मैं हूँ राहुल और आज हम बात करने वाले हैं बजाज के एक अपकमिंग बाइक के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ अपडेट यहाँ निकल के आया तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उस लाल बटन को क्लिक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल में जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बजाज ने यहाँ पे न्यूरॉन नाम से एक रेट्रो क्रूजर बाइक को पेटेंट कराया है इंडियन मार्केट के लिए। तो हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, बजाज एक रेट्रो क्रूजर स्टाइल बाइक के ऊपर काम कर रहा है और आपको जल्द ही इंडियन मार्केट में बाइक देखने को भी मिल जाएगी। और ये बाइक सीधा सीधा कम्पीट करेगी रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 को, होंडा की हाइनेस सीबी 350 को और जावा जैसी बाइक्स को। तो ये काफ़ी बड़ा राइवल हो सकती है। अभी तो सिर्फ इतना ही पता लगा है कि बजाज ने एक न्यूरो नाम से एक रेट्रो क्रूजर बाइक को इंडियन मार्केट के लिए पेटेंट कराया है। और जो इंजन स्पेसिफिकेशन सामने निकल के आ रही है वो ये है कि ये इस बाइक में जो बजाज इंजन यूज़ करने वाला है वो डोमिनार 400 का ही इंजन यूज़ करने वाला है। उसे थोड़ा सा ट्यून करेगा एक क्रूज़र बाइक के तौर पर, उसमें थोड़ी सी टॉर्क आपको अच्छी मिल जाएगी। बाकी मुकाबले अगर हम बात करें इंजन के, तो इस बाइक में आपको 373.2 सीसी का डोमिनार का इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि पावर जनरेट करेगा 39.4 bhp एट 8650 rpm में, और वहीं पे टॉर्क जनरेट करेगा 35 न्यूटन मीटर की एट 7000 rpm में। तो यही अपडेट है जो बाजार की तरफ से निकल के आ रहा है और उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, जो कह रहे थे कि बजाज की कोई रेट्रो बाइक या क्रूज़र बाइक आने वाली है थोड़े से बड़े सेगमेंट में। तो ये एक ऑप्शन और है आपके लिए जो कि होंडा हाइनेस नहीं लेना चाहते और ना ही रॉयल इनफील्ड क्लासिक लेना चाहिए, और थोड़ा सा वेट कर लें। शायद ये बाइक इस साल के एंड में बजाज लॉन्च करे या फिर अगले साल 2021 के स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी इसकी लॉन्च डेट फाइनल नहीं हुई है और ना ही इसका प्राइस अभी सामने निकल के आया है तो मैं आपको नहीं बता सकता। बट जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।